दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे भारत के एक बहुत ही खूबसूरत शहर दार्जिलिंग के बारे में। दार्जिलिंग हिमालय की तलहटी में बसा भारत के पश्चिमी बंगाल राज्य का एक खूबसूरत शहर है। इस शहर में लगभग 4000 से भी अधिक तरह तरह के फूलों के पौधे व 300 प्रकार के फर्न और टन वन्य जीव पाए जाते हैं। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल भारत के उत्तरी भाग में स्थित है। दार्जिलिंग को एक हिल स्टेशन टाउन के रूप में भी जाना जाता है। दार्जिलिंग में चाय को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। यहाँ दुनिया की कुछ बेहतरीन चायों का उत्पादन किया जाता है। प्रति वर्ष चाय के बागान इस छोटे से क्षेत्रफल में होने के बावजूद भी लगभग 12,000 टन चाय का उत्पादन करते हैं। चाय उत्पादन दार्जिलिंग की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलमार्ग यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को ट्राई ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है। दार्जिलिंग के बीच छोटे गेज ट्रैक बिछाए और चरम परिदृश्य को पार करने के लिए छोटे लेकिन शक्तिशाली इंजन बनाए। 5 दिसंबर 1999 को रेलवे को यूनेस्को की हेरिटेज साइट सूची में जोड़ा गया था। यह ट्रेन आज भी काम कर रही है। यह शहर सैकड़ों वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन था। दार्जिलिंग की सांस्कृतिक श्रृंगार बहुत ही विविध है। यहाँ आपको वे लोग मिलेंगे जो नेपाल, तिब्बत और पश्चिमी बंगाल के साथ साथ स्वदेशी लेपचा लोगों के क्षेत्र में आते हैं। लोगों की इतनी विविध आमद के कारण शहर के चारों ओर विभिन्न भाषाओं अंग्रेजी, नेपाली, हिंदी, बंगाली को भी सुना जा सकता है और बौद्ध मठों और हिंदू मंदिरों से लेकर ईसाई चर्च तक विभिन्न धार्मिक वास्तुकला को देखना यहाँ आम है। दार्जिलिंग में रोपवे सवारी की भी उपलब्ध है। यह सवारी केवल कार रोपवे 1968 में सिर्फ एक यात्री कार के साथ खोला गया था। यह भारत में निर्मित पहला रोपवे था। आज यह 18 कारें सिंगामारी से सिंगला तक जाती हैं। पूरी सवारी में लगभग 40 मिनट का समय लगता है। यह रोपवे कारें 600 फीट ऊंचाई से लेकर 6,500 फीट ऊंचाई तक चली जाती हैं। इन केबल कारों से दार्जिलिंग की रसीली वनस्पतियां, चाय के बागान, नदियां और जंगलों के साथ साथ दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा के शिखर का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। इसलिए दार्जिलिंग में भारी मात्रा में पर्यटक घूमने के लिए आते हैं और यहाँ के मौसम और खूबसूरती का आनंद उठाते हैं। तो फ्रेंड्स, यह थी कुछ जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।